ऐसे वो चले गए कहाँ से खोज के आगे नहीं बोलना गाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मंडे, शाम हो चुकी है और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा प्रैंक, वो भी मेरी नानी और के साथ में। तो आज का हमारा प्रैंक ये है कि हम फोन करेंगे मेरे मामा और को कि आज हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ रिश्तेदार, मतलब मेरे भाई को देखने के लिए कोई आने वाले हैं और हम पूरा प्रैंक करने वाले उनके साथ। आओ हम उनको फिर फ़ोन करते हैं, उन्हें अपने घर पे बुलाते हैं शाम को, और शाम के बज रहे हैं 7:30। अब देखते हैं वो फटाफट तैयार होकर आएंगे कि नहीं। टाइम देखो, शाम के बज रहे हैं 7:30, मतलब 7 बज रहे हैं। सॉरी, आँखों में डिफेक्ट आ गया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब मम्मी करेंगे फोन, प्लीज फोन कर दो। फोन करके पूछो पापा। ये है हमारी मासी। हेलो। हेलो गाइस। क्या है गाइस? देखो फोन हो रहा है। नंबर इशू, नेस्ट का फोन आ रहा है। एंड नेस्ट का फोन आ रहा नहीं है, कर रहे हैं एंड नेस्ट का। सरप्राइज कर दो चैनल को। अरे प्यार से बोल, डांट के कोई करेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हेलो गाइस, चैनल को सरप्राइज करना और बेल आइकन कर दबाना ना भूलना। लाइक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को चैनल को सरप्राइज और शेयर करना। एक लाइक तो बनता ही है गाइस। फोन हो लिया। अरे भाई आए नहीं अभी तक, तुम कुछ बोलो, स्टार्ट करो। आ रहे हैं ये, वो चले गए। कहाँ से पहुँच गए? इनको फोन कर दिया है और वो चल चुके हैं और अब वो हमारे घर पहुँचने वाले होंगे। और उनको सरप्राइज तो उन्हें ये मिल जाएगा कि हमारे घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही है। और वो सोच रहे हैं हमारे घर बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं, हम पूरे तैयार होके बैठे होंगे। आते उनको बहुत तगड़ा शौक लगने वाला है, क्योंकि मुझे तो लगता है वो अच्छी तरह से तैयार होके आएंगे, वो मतलब सूट सब कुछ पहन ढून के। हो सकता है आज हमको डांट भी पड़ जाए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। मेरी नानी हमें डांट भी सकती है, शायद मामा भी गुस्सा हो जाए। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो प्रैंक करना है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सो के सो के गाइस, मजा तो बहुत आने वाला है। मेरे बाल झड़ते क्यों हैं? चल एक डायलॉग बोलते फिर। क्या बोलूं, ऐसे मारूंगी सब मनी डब्बा में भर देता कि सदा। आगे बोल, जब मत कहिए आगे नहीं बोलना गाली है। अच्छा दोबारा लेट्स कैश ना एक्शन। अमन भी आ चुका है, अभी हम इसको तैयार कर रहे हैं। बाबा हमें कहीं नाले भाई तैयार हो जाए थोड़ा सा। मम्मा आ रहा, रोटी खा रहे भाई, वो रास्ते में फिर वो बागन की भी तोड़ रखे। अंकल के लिए भी ये सब सब्सक्राइब की बात है। मम्मी ने बाबू भैया को शगुन दिया। मम्मी ने बाबू भैया को शगुन दिया। नहीं अंकल, आपको पता चल गया अब कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? शगुन कब देते हैं? पता ही लगा अभी कौन आने वाला है। एक तो सिफा आ रही है। ओह सिफा का पत्थर को मारो बे। अरे सामने के मारना तेरी तो। हेलो सब्सक्राइब आ गए गाइस। हेलो शिफा। हेलो जेम्स की मम्मी। जेम्स की मम्मी कैसे हो? देखा अभी तेरे आगे पूरी आ गई सामने। देखो हेलो शिफा, मामा कहाँ है? हाँ तो हमें सब्सक्राइब देगी।
बाय। मिल तो गया ना, आपको पता तो चल गया ना अंकल। सोचो बस, बोला नहीं मुझे, सोचो शगुन कब देते हैं। निशु से पूछा, निशु क्या हुआ बता दे। शगुन कब देते हैं? शगुन तो तब देते हैं जब रिश्ता होता है। क्या अंकल को पता नहीं चल रहा कि क्यों बुलाया, क्या हो रहा है? हम भी तो नहीं आए हैं। फोन कर रहा था कि नाना ये दिया दे रहे अंदर है सोनू की कोठी पर ड्यूटी लाए कि उसका जन्मदिन है पार्टी। बता तो दो फिर अंकल को, बता दो दादा। देखा लग गया होगा, मतलब इतनी नहीं सो तो आ रहा है लास्ट को जी, पर अभी आएंगे। मुझे भी अभी नहीं रहे हैं, अभी आएंगे। हेलो गाइस, ये मेरा आउटफिट है और मैं सिमरन दीदी की कजन हूँ और मैं इस चैनल को बहुत टाइम से सब्सक्राइब किया है और मैं हर एक वीडियो को लाइक करती हूँ और आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इनका सपोर्ट करो बहुत। यस थैंक यू। पता है इसका बेटा पढ़ा रही है, आप देख रहे हैं ये इतना खुद नहीं पता इन्हें कर रहा ना, इसका बताया नहीं कुछ भी। हाँ अब इसको बताया नहीं, आप बताओ। सरप्राइज, इतना मजाक था। सरप्राइज मजाक फिर मजाक करने के लिए। और कोई नहीं तर देना बचेगा। रिवील भी होगा तुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या हुआ। नहीं यहाँ पे क्या हुआ बता। फिर न्यू बुला देना हम कभी के निकला कल कर हम कोई चंदन दे आया था दिन में घोड़ा की जान था यही रहती। सो गाइस आज जो हमने प्रैंक करना था वो तो हो चुका है कंप्लीट। तो हमने नानी को भगा दिया पूरा झूठ और बेचारे उनको बहुत बुरा लग रहा है कि हाँ मैं तो इतनी सारी तैयारी करके आई थी। उन्होंने बहुत सारे अपने पड़ोसियों को भी बता दिया, अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह को भी बता दिया, पर लेकिन उनको बहुत बुरा लगा। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? चलो अब आपकी बारी आती है। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सरप्राइज कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। भाई मज़ा आया।